गुड मॉर्निंग आलस्य। आज हम लोग वर्गमूल कैसे निकाला जाता है सीखेंगे, सम्मिश्र संख्या का, है ना। वैसे ही वर्गमूल तो आप लोग को निकालना आता है, जैसे आपका 9 का निकालेंगे, है ना, 16 का निकालेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन हमको अब सम्मिश्र संख्या का निकालना है। कहने का मतलब क्वेश्चन आयोटा के फॉर्म में रहेगा, उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें आप लोग ध्यान देंगे, मैं आप लोगों को कल बताया था चार प्रकार का चतुर्थांश, इसमें ए प्लस आयोटा भी है ना, इसको क्या बोलते हैं, माइनस ए प्लस आयोटा भी, ये था माइनस ए माइनस आयोटा भी, और ये क्या था आपका ए माइनस आयोटा भी, है ना। ऐसे आपको चार अलग अलग चतुर्थांश में बटा हुआ था। अब क्वेश्चन देखेंगे कि किस फॉर्म में है, तो आपको बस दो ही टाइप का देखना है, कि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में है कि a माइनस आयोटा b के फॉर्म में है, बाकी को देखना नहीं पड़ता है ना। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, बनाते हैं, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, मैं सीधा हल लिख रहा हूँ, है ना। क्या दिया है, माइनस 7 माइनस 24 आयोटा, माइनस 7 और माइनस 24 आयोटा का क्या निकालना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, माना इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, अंडर रूट माइनस 7 माइनस 24 आयोटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। अब ध्यान देंगे यहाँ पे मैं माइनस क्यों लिया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में अगर माइनस रहेगा आयोटा के पहले तो यहाँ पे माइनस लेना है, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस लेना है। सामने को देखना नहीं है, वास्तविक संख्या को देखना नहीं है, काल्पनिक संख्या में अगर माइनस होगा तो माइनस लेंगे, अगर काल्पनिक संख्या में प्लस होगा तो क्या लेंगे, हम लोग प्लस लेके बनाएंगे, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण एक। अब क्या कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्योंकि अंडर रूट को हटाना है तभी तो हल होगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा माइनस 7 माइनस 24 आयोटा, है ना। तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर, है ना। तो इधर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का अगर होल स्क्वायर निकालेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, फिर क्या होगा प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना, माइनस क्या हो जाएगा 2x आयोटा वाई। उसके बाद एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का माइनस 1 होता है, तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई आयोटा हो जाएगा, है ना, माइनस 7 माइनस 24 आयोटा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, वास्तविक व काल्पनिक भागों का तुलना करने पर, किसका तुलना करेंगे, वास्तविक और काल्पनिक भागों का तुलना करने पर माइनस 7 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, और क्या मिलेगा, माइनस 24 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2x वाई मिलेगा ना, क्योंकि आयोटा का आयोटा के साथ, है ना, और संख्या के किससे, संख्या के साथ करना है तुलना। अब यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कटेगा, तो हमारा क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस 7। इसको समीकरण दो, और एक्स और वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2x वाई बराबर कितना हो जाएगा, 24। इसको समीकरण 3। उसके बाद एक सूत्र होता है, उसको आप लोगों को भूलना नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आप लोग पढ़े भी होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। सॉल्व करेंगे तो दोनों पक्ष बराबर होते हैं, तो यहाँ से आप लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, है ना। माइनस का मान कितना दिया है, माइनस 7 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा डायरेक्टली अगर मैं बनाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उसके बाद 2x y का मान 24 है, तो यहाँ पर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर करेंगे दो बार तो कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा, है ना। इसका जी इसको दो बार गुणा करोगे तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 का वर्ग होगा, है ना, जो कि 576 और 7 का 49, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, है ना, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, 625। स्क्वायर को इधर आके अंडर रूट, और 625 किसका होता है याद रखेंगे, 625 किसका होता है आपका, 25 का होता है,
है ना, इसको समीकरण चार मान लीजिए। अब देखिए तो जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 मिल गया है, और एक्स स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर बराबर ऋण 7 है, तो यहाँ से एक्स और वाई का मान को निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 3 प्लस 4, 3 और 4 को जोड़ूंगा तो 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, इसलिए x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 3 हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस 3 ले लेना। उसी प्रकार एक बार क्या करेंगे, समीकरण मान को भर देना या दोनों को आपस में घटा देना, 3 ऋण 4 करना हो आपका काम है, जो भी करोगे तो आंसर उतना ही आएगा, है ना। वाई ये हो जाएगा आप लोगों को कितना हो जाएगा, दोनों को करेंगे तो हो जाएगा आपको 32, है ना, फिर इसको हल करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, तो वाई बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4। अब समीकरण लास्ट में काम क्या करना है, समीकरण एक में सबको मान को भरना है, तो समीकरण एक था तो क्या मिलेगा, समीकरण एक में है ना एक्स वाई का मान भरने पर अंडर रूट माइनस 7 माइनस 24 आयोटा बराबर प्लस माइनस दोनों में है ना, एक्स की जगह हो जाएगा 3, फिर क्या हो जाएगा आप लोगों का माइनस 4 आयोटा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। हर एक क्वेश्चन को सेम बनाना है ना, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, उसके बाद वास्तविक काल्पनिक भागों का तुलना, ये वाला सूत्र हर एक क्वेश्चन में लगाएंगे, वहाँ से एक्स और वाई का मान को वैल्यू को समीकरण एक में क्या करेंगे आप लोग को पुट करेंगे, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो आप लोगों को इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है और गुणन निकालने का एक ही प्रश्न वाली है ना, जिसमें से आपका क्वेश्चन 8 तक है सब सेम बनेगा, आप लोगों को बनाना है ना। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, बस यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ माइनस होने से माइनस लेना, प्लस होने से प्लस, ये वाला सूत्र लगाना है और आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। धन्यवाद।